तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो सभी लोग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों अपनी खेत की तरफ आए हैं। इस खेत में दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा था, इसमें गेहूं था। अब दोस्तों उसमें गेहूं की फसल तो कट चुकी है, अब उसमें होगी धान। तो कल उसकी मैंने जुताई करवाई है, आपको दिखाते हैं खेत को। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट में जय किसान लिख देना। तो ये खेत में आप देखिए, इसमें कल जुताई करवाई है क्योंकि इसमें धान की फसल होनी है। लगभग एक महीने बाद धान इसमें लग जाएगी इस खेत में। और दोस्तों इस खेत में आपको जो काला काला दिख रहा होगा, ये गोबर की खाद होती है। वो जो गांव में लोग जानवर रखते हैं उनको इकट्ठा किया करते हैं साल भर, उसके बाद ये गोबर की खाद को खेतों में डाल देते हैं, जिससे क्या होती है फसल अच्छी पैदा होती है। और ये चारों तरफ के व्यू देख सकते हैं आप। ये सामने दोस्तों ये तीन पेड़ आम के दिख रहे हैं, इनमें एक तो पेड़ दोस्तों सूख चुका है, दूसरा भी इनमें कीड़ा लग गया, ख़राब हो चुके हैं। और इस साइड थोड़ी फसल खड़ी हुई, दूसरे का खेत है। और दोस्तों एक ये सामने गांव आपको दिख रहा होगा, ये दूसरा गाँव है। और हमारा गाँव दोस्तों इस साइड है, यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर। तो दोस्तों आज बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है क्योंकि बरसात का समय आने वाला है, तभी तो फसलें तैयार होती हैं। और यही दोस्तों किसान में एक रूटीन होता है, जाड़ा गर्मी बरसात, जाड़े की फसल अलग, गर्मी की अलग, बरसात की अलग होती है। चारों तरफ आप देख सकते हैं बादल, बहुत ही मौसम दोस्तों सुहाना है। और यही सब चीज़ें होती हैं दोस्तों गाँव में। धान की लोग तैयारी करते हैं, जिससे आप बिरयानी खाते चावल को वाली, वही चीज़ दोस्तों तैयारी, चावल यहीं से पैदा होता हमारे खेतों से, यहाँ से होता, कहीं ना कहीं होता दोस्तों पैदा, वो खेतों से होती फसल है। और चारों तरफ का व्यू दोस्तों आपने दिखा। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना प्लीज़, आप देख सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।